दोस्तों आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट्स वगैरह मैं यूज करने वाला हूँ, जो स्टाइल में यूज करने वाला फ्रीक्वेंटली मैं मेरे प्रोजेक्ट्स में उसको यूज करता हूँ। आप भी अगर उसको वेरियस वे पे यूज करोगे तो आपके टेक्स्ट एनिमेशन बहुत ही आई कैची और इंटरेस्टिंग बनेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे रेडी है, तो मैं ये लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता हूँ क्रिएट शेप फ्रॉम द टेक्स्ट। अब मैं ये टेक्स्ट लेयर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मेरा पास यहाँ पे मेरा आउटलाइन लेयर है। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मेरे को यहाँ पे टाइप करना है पोजीशन बराबर, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पोजीशन कुछ, तो यहाँ पे मेरे पोजीशन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे लेयर्स ओपन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, जितने भी पोजीशन वाले लेयर मैं सबको क्या कर दूंगा की देना, उसके लिए यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्या होगा जो हमारा एस्केप के नीचे का बटन रहता है वो कर दोगे तो आपका ये वाला जो पैनल है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा, वापस उसको दबा दो तो ये यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। तो अब मेरे यहाँ पे की दे दिया, अब इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यू प्रेस कर देता हूँ ताकि मेरे खाली जो कीज वाले ऑप्शन है वही यहाँ पे विजिबल हो। अब मैं यहाँ से चलता हूँ कुछ 10 फ्रेम आगे, ओके तो ये प्रॉपर 10 फ्रेम आगे आ चुका। और अब ये मैं सारी कीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा पीछे की तरफ, और या फिर हम अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। अब पहला जो मेरा की है, तो पहला जो टेक्स्ट है उसका मैं पोजीशन सबसे पहले नीचे डाउन की तरफ यहाँ से बाहर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो गया है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, एनिमेटर से अंदर आएगा। तो सेम चीज मुझे क्या करना है, सबके लिए करना है, बट हर एक टेक्स्ट के लिए हर एक शेप के लिए मैं 5 फ्रेम पर डिफरेंस दूंगा, 1 2 3 4 5 ठीक है। तो ये यहाँ के हो गया और मुझे क्या करना है, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करना है नीचे की तरफ, तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ऐसा सभी टेक्स्ट के लिए मैं फटाफट करके वापस आता हूँ गाइस। ओके गाइस, तो मैंने वो एडजस्ट कर लिया, मुझे क्या करना है पीछे वाली चीज को भी उसी हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मैं शिफ्ट पेज डाउन 20 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, इस की फ्रेम को क्या करूंगा यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। अब सेम तरीके से 5-5 की फ्रेम पर गैप देंगे और ये वाली चीज को एडजस्ट करेंगे, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ ये। ओके गाइस, आप देख रहे हो मेरे सारे कीज यहाँ पे क्या हो गए, अभी एडजस्ट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारे कीज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ, चलता हूँ मैं ग्राफ एडिटर के अंदर, यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से मैं एडिट कर दूंगा कि कुछ मेरा ग्राफ इस हिसाब से रेडी हो जाएगा। तो मेरे सारे टेक्स्ट यहाँ पे क्या हो चुके हैं, तो इन तो आने लगे। अब उसके साथ मुझे क्या करना है, इनका यहाँ पे इन आते हुए तो दिख रहा है अच्छे खासे तरीके से, कहाँ पे इन हो रहा है। तो साथ में मुझे क्या करना है, इसका स्केल प्रॉपर्टी भी मेन लेयर में ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्केल दे दिया है और साथ में यू प्रेस करते तो लास्ट की कहाँ है पर हमारा यहाँ पे है, तो मैं क्या कर देता हूँ शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा वापस इसका स्केल प्रॉपर्टी ऑन करते हैं और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ की दे देता हूँ। अब स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और इसका वैल्यू दे देता हूँ 100, तो ये मेरा की कुछ इस हिसाब से एनिमेट होते हुए जाएगा कि हाँ भाई ये छोटा होते हुए दिखेगा आपको। और इसको भी हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, मैं यहाँ पे ग्राफ एडिट पे चलता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको, इसका भी ग्राफ क्या कर देता हूँ इस हिसाब से कुछ एडिट कर देता हूँ। दूसरा इसको मैं क्या करूंगा, कुछ 10 फ्रेम पीछे शिफ्ट कर देता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन, और इसको ड्रैग करके क्या करेंगे यहाँ पे सेट कर देंगे, तो ये कुछ इस हिसाब से हमारा एनिमेशन जनरेट होगा, भाई अंदर आएगा यहाँ से और फिर ये साथ में छोटा होता हुआ जाएगा और वापस एडियन सेटल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में चलते हैं, यहाँ पे टाइम वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इको इफेक्ट, और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ इको टाइम पर सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे मैं 0.0 -0.03 अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इकोज है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ 25, और यहाँ पे डीके ओके जो ये वाला डीके है मैं इसका वैल्यू थोड़ा कम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आगे लेके जाऊं तो देखो आपको एक थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला, थोड़ा बढ़ा देते हैं वैल्यूज, लेट्स इंक्रीज द लिटल बिट वैल्यू, तो देखते हैं क्या देखते हैं थोड़ा और, यस तो दैट इज द बेटर वन। तो यहाँ पे मुझे जो आपको दिख रहा है हल्का सा गैप दिखना चाहिए, जो 100% प्योरली व्हाइट दिखना था वो मुझे नहीं दिख रहा, तो ये मैंने कर दिया। दूसरा यहाँ इको ऑपरेटर है उसको मैं कर दूंगा बैक कंपोजिट इन बैक, मतलब हमारे जो मेन टेक्स्ट लेयर है उसके पीछे की तरफ ये रहे, ऐसा कुछ ही हमारा जनरेट होना चाहिए। तो यहां तक का एनिमेशन हमारा प्रॉपर तरीके से हो चुका है। अब एक और थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं अंदर लाने का तरीका, तो मैं क्या इस लेयर को वापस सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट में चलते हम, और उसके बाद हम करेंगे कि डिस्टॉर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको वाप करके इफेक्ट मिलता है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा फिश आई, तो ये मैंने जैसे फिश आई चूज कर लिया था, आप देखो कि यहाँ पे एंड पे जाते हुए ये अभी टेक्स्ट क्या हो गया है, थोड़ा वाप दिख रहा है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊं आपको तो देखो ये क्या होगा, थोड़ा फुलता हुआ जैसे आपको दिखाई देता है। अगर इसका वैल्यूज बढ़ाओगे तो आपको और ये इफेक्ट ऐसा कुछ देगा आपको, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, आपको
समझने की स्टार्टिंग कैसे हो रहा था, अगर मैं इसे स्क्रीन के अंदर लेके आ रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए तो बेटर दिखेगा, अगर जितना ये बेंडिंग बढ़ा दोगे उतना ही स्क्रीन से बाहर से आएगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा यहाँ तक का एनिमेशन इन वाला एनिमेशन खत्म हुआ, अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को आउट भी करना है यहाँ से, मैं यहाँ पे यू प्रेस करता हूँ जहां पे मेरा एनिमेशन खत्म हो रहा है, तो दिस इज द पोर्शन जहां पे मेरा एनिमेशन एंड होने वाला है, वहां से मैं आगे चलता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम में यहाँ पे आगे आ गया हूँ। यहाँ पे इस लेयर को क्लोज करते हैं और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, मतलब लेयर को मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया। अब मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ये वाले लेयर का ओपन करता हूँ और इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी को, यहाँ पे सेपरेट डायमेंशन कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑल्ट करके वाई पोजीशन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन ले रहा हूँ विगल, फिर यहाँ पे मैं दे दूंगा 20, ओके यस लेट्स डू दैट 20, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 30 pixels, और मोर देन दैट 30 आई एम जस्ट गोइंग टू गिव 100 pixels यहाँ पे। तो 100 pixel का इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड मोशन करेगा, कितनी बार होगा पर सेकेंड 20 times ये मोशन करेगा अपने आपको। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे वैल्यू दे दिया इसका। अब ये हो जाने के बाद देखो बेटर तरीके से दिख रहा है हमारा व्हीकल लेयर्स है यहाँ पे, ये अच्छा खासा व्हीकल यहाँ पे होने वाला है। बट उसके आगे और भी एक चीज मुझे करना है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ, एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे नल का पोजिशन ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं शिफ्ट पेज डाउन जाऊंगा और इसको क्या कर दूंगा, मैं स्क्रीन से बाहर ले लूंगा। तो मेरा टैक्स यह हो जाना चाहिए पूरा का पूरा स्क्रीन से बाहर चला जाना चाहिए। तो हमने ओके हमने क्या किया, पेरेंट नहीं किया, तो वापस यहाँ पे चले आते हैं, इसको क्या कर देंगे, इस वाले लेयर को नल के साथ पेरेंट कर दे, क्योंकि मैंने अंडू मार दिया था इसलिए वो चला गया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे ही आप इसको आगे लेके जाओगे, देखो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ से बाहर चला गया। और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, F9 करता हूँ और यहाँ से क्या कर देंगे, हम इसको हल्का सा एक जर्क के साथ हम उठाएंगे तो इस हिसाब से कुछ एनिमेशन हो जाएगा इसका। तो भाई हमारा कम्प्लीट प्रोसीजर हो चुका है, अब एक बार फाइनली हमारे एनिमेशन को प्ले करके देख लेते हैं। अभी आप गाइस देख रहे हो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग के साथ हमारा टेक्स्ट इन भी हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, आउट भी हो रहा है। हाँ, आप चाहो कि थोड़ा सीडीनेस, मैंने 5 frame का सीडीनेस दिया था, बीच में 10 frame देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि टेक्स्ट स्टेडी होने के बाद 10 frame के बाद उसका आउट का एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। बट सी मोशन ब्लर ने इसको और भी इफेक्टिव बना दिया और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।